आज आपने शिव जी की पूजा की है, त्रिनेत्र नहीं खुले, इसके लिए क्या चाहिए? देखिए अभी कर्नाटक में चुनाव है और प्रचार चालू हो चुका है। अब तक का जो फीडबैक आया है उसमें स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी पूरे बहुमत के साथ वहाँ पर सरकार बनाए, और मुझे लगता है कि जो वर्तमान सरकार है कर्नाटक में भाजपा की, वो उसकी जनता में साख गिर चुकी है और अपने कारनामों से अपने कार्यकाल में जनता का विश्वास वो सरकार खो चुकी है। इसलिए प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार वहाँ बनने जा रही है, और वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जो है करप्शन का। वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ की भाजपा सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है, कि जनता मान चुकी है। और हमारा जो प्रचार भी रहा वो उस बात पर केंद्रित रहा कि हम करप्शन को खत्म करेंगे, एक स्वच्छ और एक पारदर्शी सरकार देंगे। उस प्रचार को जनता ने लगे हाथों स्वीकार किया है, इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि कर्नाटक के अंदर हमारी पूर्ण बहुमत के साथ एक सरकार बनेगी। भाजपा का जो करप्शन है कर्नाटक में, उसको पूरी तरह एक्सपोज करने के बाद हम लोग वहाँ पर जनता का विश्वास हासिल करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर, दो दिन पहले मुख्यमंत्री दिल्ली में गए, उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसे बयान ना दे जिससे पार्टी को नुकसान हो, उसके नुकसान की भरपाई तो आलाकमान कर देगा, लेकिन पार्टी को नुकसान हो गया उसकी भरपाई कोई भी नहीं कर पाएगा। देखिए, जैसे मैंने कहा कि राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर एक ऐसा मुद्दा उठाया जिस पर वो हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार है। कल आपने देखा किस प्रकार से जल्दबाजी में उनके सदस्यता को रद्द करने के बाद जिस फुर्ती से, जिस तेज़ी से, जिस द्वेषपूर्ण भावना से उनके खिलाफ कार्रवाई करी गई, उनका मकान कल खाली करवा दिया गया। और जो ये कार्रवाई हुई है, ये राहुल जी ने जो मुद्दा उठाया है, चाहे वो अडानी जी को लेकर हो, चाहे वो मोदी जी को लेकर हो, चाहे वो कोई भी हो, भाजपा के शासन के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ और जो हो रहा है केंद्र में, उसके खिलाफ हम आवाज़ बुलंद करी, इसके चलते भाजपा उसको सह नहीं कर पाई और उन्होंने इनके खिलाफ एक्शन लिया। और मैं समझता हूँ कि हम सब लोग अगर भाजपा की करप्शन की बात करते हैं, या मैं राजस्थान में वसुंधरा जी की सरकार में जो करप्शन के मामले उठे, जिसको हमने सामूहिक रूप से उठाया था, उन मुद्दों को उठाते हैं और कहते हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मैं तो समझता हूँ ये पार्टी के हित की बात है। और मैंने अध्यक्ष रहते हुए और सम्मान्य गहलोत साहब जो समय महासचिव थे, हम सब ने कई बार ऑन रिकॉर्ड इन बातों को कहा है कि वसुंधरा जी की सरकार ने भू माफिया, शराब माफिया, बजरी माफिया, खान माफिया, तरह तरह के माफिया पनपे थे। और आज अगर कोई कह दे कि कोर्ट कचहरी का बहाना लेकर उन वादों को पूरा नहीं करे, हमने मांग करी थी सीबीआई की जांच, हम लोग गए ज्ञापन लेकर राष्ट्रपति जी के पास, राजस्थान के गवर्नर के पास, कि एक न्यायपूर्वक कार्रवाई हो, निष्पक्ष जांच हो, और अगर किसी ने गलती की है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए अगर तथ्य सामने आते हैं जाँच के बाद। मैंने ये मांग रखी थी कि एक जाँच हो, और जब मैंने अनशन किया था, हमारी महात्मा गांधी की पार्टी है, यहाँ पर सच की बात रखना, करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाना, अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ रखना, ये हमारे संस्कारों में है कांग्रेस पार्टी की, जो 700 साल पुरानी हमारी पार्टी है। उसके तहत मैंने एक अनशन रखा था राजस्थान जयपुर में 11 तारीख को, आज 2 हफ्ते हो गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। मैं इसलिए पुनः बड़ी विनम्रता से आग्रह कर रहा हूं कि हमने जो स्वयं वादे किए थे, जनता को विश्वास में लेकर आए थे, और 2013 से 2018 के बीच में हम जनता के बीच जब गए थे, तो सबसे प्रमुख, आप सब लोगों को याद होगा, सबसे प्रमुख मुद्दा यही था कि वसुंधरा जी की करप्शन को हम लोग एक्सपोज करेंगे। हमारी सरकार बनने के बाद कई कार्रवाई हुई हैं जिसका मैं स्वागत करता हूँ। जैसा खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा, एसीबी बड़ा सक्रिय है, बड़े छापे डाले हैं, अधिकारी आईएएस, आरएएस, आईपीएस, नाना प्रकार के लोगों को रंगे हाथों पकड़ा है, ये स्वागत योग्य कार्रवाई है। मैं समझता हूँ इसमें हम लोगों को इसका बहुत वेलकम करना चाहिए। लेकिन हम लोग जब सत्ता में आए थे, 5 साल विपक्ष में रहे, तो हमने ये कभी नहीं कहा था कि हम कार्रवाई कर पटवारी को पकड़ेंगे, अधिकारी को पकड़ेंगे, इसलिए वोट दीजिए। हमने कहा था कि हम वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो करप्शन हुआ है उस पर कार्रवाई करेंगे, इस बात को सुनकर जनता ने हमको वोट दिया था, तो वो करना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ अब बहुत कम समय रहा है चुनाव से पहले, इसलिए इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि करप्शन के खिलाफ जो पूरी कांग्रेस पार्टी लामबंद है, और मैं खुद जब व्यक्तिगत रूप से प्रचार करता हूँ पूरे देश में, जहाँ जहाँ मुझे पार्टी बोल के प्रचार करने के लिए, चाहे वो उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, यूपी हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश, पंजाब, जहाँ भी हम जाते हैं, वहाँ पर भाजपा के करप्शन को एक्सपोज करने का काम करते हैं। तो राजस्थान में जब वसुंधरा जी के शासन में जो करप्शन हुआ, जिसको हम सब ने स्वीकार किया, उस पर अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो मैं समझता हूँ गलत होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस पर एक्शन लिया जाए। और करप्शन एक ऐसा मुद्दा है जो प्रदेश और देश में दीमक की तरह उसको खा रहा है, संस्थाओं को कमजोर कर रहा है। और अभी जो पेपर लीक के मामले हुए, कुछ लोगों को पकड़ा गया,
बाबूलाल कटारा को पकड़ा गया। पहले कहा गया था कि मेरी पेपर लीक में सम्मिलित नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, मैं नागौर में सभा में मैंने कहा था कि बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, जो सरगना है, जो मास्टरमाइंड है, छोटे मोटे दलाल पकड़ कर तो अच्छी बात है, लेकिन इसकी तह तक जाना पड़ेगा। और इसके आज जो अरेस्ट हुआ है आरपीसी के सदस्य, ये कैसे सदस्य बने, किसने रेकमेंड किया था, इसकी तह तक जाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तार और जुड़े होंगे। इसलिए जांच रुकनी नहीं चाहिए। पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है, और अगर कुछ हमें तथ्य मिले हैं, कुछ कार्रवाई करी है, तो अच्छी बात है, हम सब स्वागत करते हैं, लेकिन यहाँ पर रुकना नहीं पड़ेगा, हमको और आगे जाना पड़ेगा। इसलिए हम हमेशा चाहते हैं कि हम जो कहें और जो करें उसमें फ़र्क नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपनी बात पर कायम हूँ, इस मुद्दे को आगे लेकर जाएंगे। और मैंने सुना भी, कहीं स्टेटमेंट आया, मैंने अपने मुँह से कभी मिलीभगत शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया, तो फिर ये नींबू और दूध और पानी तमाम तरह की सफाई देने की ज़रूरत क्या है। मैं तो सिर्फ मुद्दा उठाया है, मुझे लगता है कि सरकार से संज्ञान लेगी। हालांकि 2 हफ्ते हो गए हैं, अभी मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस पार्टी और विशेष रूप से हमारी सरकार जो बनी है, इस सरकार पे अब कम समय रहते कार्रवाई करने का समय। आरोप लगाया तो उसको पार्टी, अरे भाई वो तो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस सरकार के ऊपर, मैं तो आरोप लगा रहा हूँ बीजेपी सरकार के ऊपर, ये किसी पार्टी के विरुद्ध हो सकता है? और इस पार्टी के लिए तन मन धन से हम लोगों ने काम किया है। मैं तो किसी पद पे भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने जब मुझे पार्टी ने कहा, तब पूरी ताकत के साथ मैंने भाजपा का विरोध किया, कांग्रेस के लिए प्रचार किया, और जो जो जिम्मेदारी मुझे पार्टी ने दी है, आप सब इस बात के गवाह होंगे, मैंने पूरी तत्परता से, ईमानदारी से पार्टी का प्रचार किया, काम किया। जो मुद्दा करप्शन का है, जो भाजपा के शासन हमने एक्सपोज किया था, उस पर अगर कार्रवाई नहीं होती तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक संदेह पैदा होता है, उस समय उसे हमें खत्म करना। कर्नाटक में पावरलेस है मंत्री, पावर शेयरिंग नहीं है सरकार में, ऐसे आरोप लगते हैं। हमारे जो प्रभारी रंधावा साहब बहुत संजीदा व्यक्ति हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, समझदार हैं, अनुभवी हैं। मैं समझता हूँ वो जब बाकी सब रिपोर्ट दे रहे हैं तो ये रिपोर्ट उनको बनानी चाहिए कि जो जो हमारे मंत्री महोदय हैं या विधायक हैं और सरकार के नुमाइंदों पर अगर नाना प्रकार के आरोप लगते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे मैं समझता हूँ पार्टी सरकार की छवि को शायद ठेस पहुँच सकती है। तो उसका भी संज्ञान लेकर खड़गे साहब और दिल्ली ICC में तो पहुँचाना चाहिए, ताकि हम लोग कार्रवाई करें। और कोई कितना बड़ा व्यक्ति हो, किसी पद पर बैठा हो, किसी का चहेता हो, किसी का दुश्मन हो, लेकिन अगर कहीं जांच के बाद तथ्य पाए जाते हैं तो हमें कार्रवाई करने से परहेज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो शासक है, जो राज करने वाले लोग हैं, वो भेदभाव नहीं कर सकते, निष्पक्षता से काम करना पड़ेगा। और बिना अपना पराया समझकर हमें कानून अपना काम करता दिखना भी चाहिए। कर्नाटक में प्रचार के लिए जाएंगे, संगीन मामला है आत्महत्या का, उसमें कैबिनेट मंत्री आईडी की गिरफ्तारी की दिखनी, उनके खिलाफ जांच की मांग उठ रही है, क्या आपको लगता है बेहद संगीन मामला है? ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा है, जो लाइन डेमोलेशन होता है उसको वो एडमिसिबल होता है कोर्ट के अंदर। मुझे पता नहीं कल क्या समझौता हुआ, क्या कार्रवाई हुई, लेकिन जांच तो होनी चाहिए। और मैंने कहा हर व्यक्ति का नैतिकता के पैमाने अलग अलग होते हैं, कौन इस्तीफा देता है नहीं देता, मुख्यमंत्री किसका इस्तीफा लेते हैं नहीं देते हैं, ये उन पर निर्भर करता है, लेकिन जांच तो होनी चाहिए। और मैंने कहा टाइम डिक्लेरेशन में अगर नाम आता है तो बड़ा गंभीर मसला है, इस पर एक इनडेप्थ इंक्वायरी हो और सच तक हम पहुंचे, अगर कोई दोषी है सजा मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, कितना बड़े पद पर बैठा हो। अनिल साहब, आपके अनशन के बाद जो अनशन था उसको एंटी पार्टी बता दी, फरवरी का देखा था जो जारी हुआ था, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैं अनशन किस मुद्दे पर कर रहा था इसकी जानकारी सबको थी। भारतीय जनता पार्टी और वसुंधरा जी के कार्यकाल में हुए करप्शन के खिलाफ आवाज उठाना किसी भी दृष्टि से एंटी पार्टी नहीं हो सकता, ऐसा मैं मानता हूँ। और मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मैं किसी व्यक्ति का जानबूझ के विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं लांछन नहीं लगा रहा हूँ, आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ भाजपा के कार्यकाल में हुए करप्शन को मैं चाहता हूँ कहा था, ताकि जनता जब 6 महीने बाद हम वोट मांगने जाएंगे, लोगों को लगना चाहिए कि ये लोग जो बोलते हैं कर दिखाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक कार्रवाई हुई नहीं। मैंने अखबार में पढ़ा कुछ, कहीं किसी ने कहा कि कोई पीआईएल हो गई थी, डिसमिस हो गई थी, और मतलब लेकिन कोर्ट कचहरी के बहाने कर हम जांच सीधे को ना दें, मैं समझता हूँ ये सही नहीं। पायलट साहब, वो क्या गोल हो रहे हैं? अब इसका जवाब तो आपको प्रभारी साहब और AICC के मैंने तो दे सकता है, लेकिन ये बात सच है कि 25 सितंबर से जो घटना हुई थी वो हमारी कांग्रेस अध्यक्ष परम सत्य सोनिया गांधी जी के विरोध में बगावती जो कार्रवाई हुई थी, जो ओपन डिफाइंस हुआ था, जो रेबेलियन हुआ था, जो पार्टी को सच में पार्टी और सरकार को तो क्षति तब पहुंची थी जब सोनिया गांधी जी के आदेशों की अवमानना हुई थी और खुलेआम चुनौती दी गई थी, वो सब काम सबके सामने, कोई पब्लिक डोमेन में कुछ छुपा तो कुछ है नहीं, और उस पर कार्रवाई नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्या कारण रहे, जैसा आपने कहा भी कहा कि पार्टी के खिलाफ की बातें हैं, तो हम सब लोगों ने अपनी बात रखी थी, लेकिन हमसे किसी ने कभी इस्तीफा कोई दिया नहीं,
लेकिन उस 25 सितंबर को जो घटनाक्रम हुआ उन सबके सामने है। उसमें जो पार्टी ने स्वतः ही एक शो कॉज नोटिस जारी किया, उसके बाद जवाब आए नहीं आए, क्या कार्रवाई हुई, आज 5-6 महीने हो गए, तो सवाल तो बनता है ना। जो एंटी पार्टी गतिविधि चौड़े में हो रही है, सोनिया गांधी जी के आदेशों की अवमानना हो रही है, माखन साहब खड़गे साहब की जो बेइज्जती हुई, जो ओपनली उनको डिफाई किया गया, और उसके बाद कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हुई फिर वो थमसी गई है, इस पर भी लोग सवाल उठाएंगे, लेकिन इसका जवाब मेरे पास नहीं, इसका जवाब एआईसीसी के पास। अलग सब बीजेपी में नहीं जाएंगे ऐसा प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है, क्या सुलह कराएंगे, क्या सुलह की जरूरत क्या आ गई, क्या कोई विवाद है, किस किस से मिले आप? कोई विवाद ही नहीं है तो सुलह की जरूरत कहाँ पड़ी है। मैंने तो एक मुद्दे को उठाया है जो मैं समझता हूँ बड़ा प्रासंगिक है, एक ज्वलंत मुद्दा भी है, और ये बात मैंने आज नहीं उठाई है। मैं 1.25 साल पहले चिट्ठी लिखकर कई बार रिपोर्ट करा चुका था, जब उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई तभी मैंने अनशन करने का निर्णय लिया था, और मैंने हमेशा ही पार्टी के जो हित में है उस काम को करने को हमेशा प्राथमिकता दी है, और सरकार और संगठन को बड़ी मेहनत से अपने खून पसीने से हम लोगों ने सींचा है, तो हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हमको कामयाबी मिले, उसके लिए कुछ काम करने जरूरी है। बाकी जो सरकार काम कर रही है बड़ा वेलकम है, जो महंगाई राहत के हम लोग कैंप लगा रहे हैं, वैसे स्कीम्स लेकर आ रहे हैं, बजट घोषणा हो रही है, धरातल पर उतरे हैं, जनता तक पहुंचे हैं, उसका लाभ हमें मिलेगा, ये अच्छी बात है। लेकिन जो हमने वादे किए थे करप्शन के खिलाफ वसुंधरा जी के कार्यकाल में नाना प्रकार के, मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता, हम सब जानते हो, उन पर जो भी कार्रवाई नहीं हुई है ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और जिस प्रकार से ये पेपर लीक के मुद्दे सामने बार बार आते हैं, इस पर भी सिर्फ एसटीएफ गठित कर देना या कानून पारित कर देना, लेकिन मैंने कहा ना कि छोटे मोटे अधिकारियों तक अब तक ये जाँच पहुँची है, इसको और गंभीरता से और सघन जाँच होनी चाहिए ताकि सब सामने हो सकता है। आप देता है, मैं उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हम लोग मेहनत से काम कर रहे हैं, पार्टी के हित में जो बातें हैं उनको बता रहा हूँ। जब भी मैं दिल्ली जाता हूँ तो मेरे से बात होती है, और जैसा आपने खुद कहा कि वेणुगोपाल जी और कमल जी मेरी बात हुई थी, मैंने अपना पक्ष रखा, सच्चाई बताई, जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में बताया, बैकग्राउंड को बताया, तथ्यों से अवगत कराया, और भविष्य में हम लोग क्या चाहते हैं, किस दिशा में हमारी पार्टी को चलकर विजय मिल सकती है, इस बारे में विस्तृत में जानकारी। प्रभारी से डिफरेंसेस क्या क्या है, मेनली जो मुद्दे क्या क्या है जो अभी भी रिजोल्व नहीं हो पाए हैं, क्योंकि जनता में बहुत सारी बातें हैं कि पॉलिटिकल स्टैंड क्या होगा। हमने जो कहा वो करके दिखाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो विरोधी हैं, हमारे जो भाजपा के साथी हैं, विरोधी हमारे जिनका मैंने कहा था हम तब दुआ निकालने की क्षमता रखते हैं, वो भाजपा के विरोधी कहीं भ्रम को ना फैला दें कि यहाँ कहीं कोई साँझघाट की आशंका तो नहीं है, तो पब्लिक का परसेप्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो वो परसेप्शन ना बने इसलिए मैंने इस बात को रखा था। समय बहुत कम बचा है, अब हम कार्रवाई करनी पड़ेगी।